महिंद्रा एक्सयूवी 300 प्राइम एडिशन मेरे सामने खड़ा हुआ है। प्राइम एडिशन नो डाउट बहुत ही जबरदस्त एडिशन है ये। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको एक अलग ही चीज दिख रही होगी, वो क्या है, वो है ये रैपिंग। इस गाड़ी को बनाती है एक्सक्लूसिव, सुंदर, अट्रैक्टिव, और इस रैपिंग की भी क्वालिटी नो डाउट बहुत जबरदस्त है। और मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो काफी फिनिशिंग के साथ ये काम किया हुआ है। तो गाइस इस वीडियो में हम इसी गाड़ी के बारे में पूरी बात करने वाले हैं, वॉक अराउंड वगैरह करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो गाइस मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ये आप देख सकते हो कंप्लीट जबरदस्त रैपिंग हो रखी है। और ये देख सकते हो एजेस पे रैपिंग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है भैया, फिनिशिंग। जैसे एजेस पे फिनिशिंग नहीं मिलती, बट यहाँ पर वो दिक्कत नहीं है। मैं कहाँ पर हूँ, मैं हूँ अभी प्राइम ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद के अंदर। और ये जो एडिशन है ये आपको यहीं पर ही मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव आपके लिए। अब एक्सक्लूसिव मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लेट सपोज अब ये जो रैपिंग आप देख रहे हो, ये जैसे एक्स वगैरह आप देख रहे हो, रेड लाइंस इसके अंदर देख रहे हो, तो ये सिर्फ इसी गाड़ी पे। अब लेट सपोज आपको गाड़ी लेनी है रैपिंग के साथ, तो आप ये वाली रैपिंग नहीं ले सकते। आपके लिए बिल्कुल अलग, बिल्कुल एक्सक्लूसिव रैपिंग मिलेगी, वो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है आप किसी पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ आप करोगे। आप इसको जैसे भी एक्सयूवी 300 के अंदर W2 इंट्रोड्यूस हुआ है नया वेरिएंट, तो आप उस पर भी करा सकते हैं जब आप उस गाड़ी को परचेज करेंगे। ये फिलहाल अभी वेरिएंट जो खड़ा हुआ है W6 मेरे सामने खड़ा हुआ है। और इसके अगर मैं रैपिंग की कंप्लीट बात करता हूँ, तो 60,000 इसकी कॉस्ट आपको पे करनी होगी इस रैपिंग के लिए। तो गाइज मैंने डीलर की कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप कॉल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डीलर को। तो गाइज आइए बात करते हैं फ्रंट की, तो फ्रंट में दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो ये देख सकते हैं काफी सुंदर फ्रंट इसके अंदर मिल जाता है, महिंद्रा का ट्विन पीक लोगो इसके अंदर मिलने वाला है। ग्रिल की बात करते हैं, सैटन सिल्वर फिनिश के साथ मिल जाती है। और ये देख सकते हो आपको हेडलैम्प कुछ इस तरह मिलने वाला है। और ये देख सकते हो इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको हेलोजन मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर कार्बन फाइबर स्टाइल का भी इस्तेमाल मिल जाता है कुछ इस तरह। और ये देख सकते हो यहाँ पर आपको एडम काफी बड़ा मिल जाता है। और बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, ये देख सकते हो कंप्लीट साइड प्रोफाइल गाड़ी की कुछ इस तरह मिलने वाली है। नो डाउट गाड़ी बहुत सुंदर लग रही है, रैपिंग की तो यार नो डाउट क्वालिटी ही बहुत अलग है, जबरदस्त है। ये देख सकते हो मतलब पता ही नहीं लग रहा कि ये रैप हो रखी है, ऐसा लग रहा है कि ये पेंटेड ही गाड़ी है और बहुत ही सुंदर लग रही है। टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे महिंद्रा का लोगो मिलने वाला है अपने को। प्रोफाइल की बात करते हैं 205/65 R16 इसके अंदर अपने को टायर प्रोफाइल मिलने वाली है कुछ इस तरह। ए पिलर यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाता है, बी पिलर मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा। प्राइम एडिशन अलग से यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, प्लस अगर मैं बात करता हूँ फ्यूल टैंक आपको इस तरफ मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल फोर डिस्क ब्रेक अपने को मिलने वाले हैं, चारों टायर्स के अंदर डिस्क ब्रेक अपने को मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूँ रियर प्रोफाइल की, रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह मिलने वाली है अपने को एक्सयूवी 300 की। यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रो एंटेना ऊपर की तरफ मिल जाता है, हाई माउंटेन स्टॉप लैंप मिल जाएगा, यहाँ पे महिंद्रा का लोगो मिलने वाला है। और ये देख सकते हो LED टेल लैंप्स इसके अंदर मिल जाती है, जो कि काफी सुंदर है, काफी अच्छा लुक देती है गाड़ी को। और यहाँ पे XUV लिखा हुआ मिल जाएगा, 300 की बैजिंग मिल जाएगी। पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं अपने को, जो कि दो पार्किंग सेंसर्स मिलने वाले हैं। और बूट, काफी अच्छा बूट इसके अंदर अपने को मिल जाता है, काफी सारा स्पेस मिल जाता है, काफी डीप है, तो नो डाउट अपने को काफी स्पेस मिलने वाला है। और एक और चीज काफी अच्छी दिखा देता हूँ बूट के अंदर, ये स्लाइडेबल है, मतलब ये देख सकते हो आराम से स्लाइड होता है, इसको डालोगे ना काफी प्यार से, काफी अच्छे तरीके से अंदर की तरफ जाता है। तो कुछ इस तरह अपने को बूट मिलने वाला है। और बंद करने के लिए अपने को यहाँ पर हैंडल मिल जाता है, तो अपने को बंद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर की, तो ड्राइवर साइड डोर कुछ इस तरह मिलने वाली है, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ अपने को हैंडल्स मिल जाते हैं। और ये आप देख सकते हो ड्यूल टोन इंटीरियर के साथ अपने को यहाँ पे ड्राइवर साइड डोर मिल जाता है, बेज एंड ब्लैक का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाता है, कप होल्डर भी मिल जाता है, और यहाँ काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। प्लस मैं बात करता हूँ विंडो के कंट्रोल्स अपने को मिल जाते हैं यहाँ पे, और हुड ओपन करने के लिए अपने को यहाँ पर लीवर मिलने वाला है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इंजन की। अच्छा महिंद्रा में एक चीज और बड़ी जबरदस्त लगती है, जैसे आप हुड ओपन करेंगे तो हजार्ड लाइट ऑन हो जाते हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। काफी हैवी है, काफी वेट इसके अंदर अपने को मिलता है, हुड इंसुलेटर मिल जाता है। और क्वालिटी की बात करता हूँ हुड इंसुलेटर की, अच्छी खासी कुशनिंग की हुई है, तो बहुत अच्छा है, मतलब NVH तो अंदर आएगा ही नहीं, कोई साउंड नहीं आएगा इंजन केबिन के अंदर, तो बहुत अच्छी चीज है ये। इंजन आप देख सकते हो तो कुछ इस तरह मिलने वाला है, तो नो डाउट है काफी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की, तो लेट्स गो गाइस इंटीरियर की बात करते हैं अब।
पे सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेयरिंग व्हील की, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह आपको स्टेयरिंग व्हील मिलने वाला है, राउंड शेप में मिल जाता है, फोर स्पोक स्टेयरिंग इसके अंदर मिलने वाला है आपको, 1, 2, 3, 4 स्पोक इसके अंदर मिल जाता है, टिल्टेबल स्टेयरिंग है, आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग टिल्ट कर सकते हो इसको। और एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं अपने को, यहाँ पर अपने को लाइट्स के कंट्रोल मिलने वाले हैं, और यहाँ पर अपने को आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है ऑन ऑफ करने के लिए, ये अपने को लाइट लेवल मिल जाता है। और यहाँ पर बात करते हैं, ये देख सकते हो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स के कंट्रोल मिलने वाले हैं अपने को, और यहाँ पर ये देख सकते हो ऑटो डाउन आना, ऑटो डाउन ही है, ऑटो अप नहीं है, और ऑल फोर पावर विंडो मिल गए, प्लस ये विंडो लॉक, गाड़ी लॉक अनलॉक मिल जाता है अपने को। गियर लीवर की बात करते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाता है, और यहाँ पे क्रोम का भी इस्तेमाल मिलने वाला है अपने को कुछ इस तरह, 6 front 1 reverse इसके अंदर को गेज मिल जाते हैं, और डे नाइट आई आर वेम इसके अंदर मिल जाता है आपको, और यहाँ पर वैनिटी मिरर मिल जाता है, और कुछ इस तरह यहाँ पे लाइट भी मिलने वाली है अपने को ऊपर की तरफ। ये इसको बंद करेंगे तो बंद हो जाएगी, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगी। यहाँ पर आपको टिकट होल्डर नहीं मिलता, और ये सनरूफ मिल जाती है बाय द वे गाड़ी के अंदर, अभी ओपन कर लेते हैं चाबी लगा के, उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिलने वाला है, केबिन लाइट कुछ इस तरह मिलने वाली है आपको, हलोजन मिल जा मतलब येलो मिल जाती हैं, और अलग अलग भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं कुछ इस तरह। बाकी अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हो मैक्स कूल वगैरह का ऑप्शन, यहाँ पर अपने को स्पेस मिल जाता है फोन वगैरह रखने के लिए, 12 वाट का सॉकेट अपने को मिल जाता है, और कप होल्डर्स मिल जाते हैं भैया मल्टीपल साइज के, 1, 2, 3 कप होल्डर मिल गए अलग अलग साइज के यहाँ पर, और ये देख सकते हो हैंड ब्रेक कुछ इस तरह मिलने वाला है, यहाँ पर स्पेस मिल जाता है सामान वगैरह रखने के लिए कुछ इस तरह, ऊपर आपको ब्लैक मिल जाता है, नीचे आपको बेज कलर का इस्तेमाल मिल जाता है, और ग्लोब बॉक्स अंदर तक देख रहे हो कितना बड़ा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर भी स्पेस मिल जाता है, काफी जगह है भैया इसके अंदर। तो दूसरा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कीज की, तो भाई 2 कीज के अंदर अपने को मिलने वाली है, ये देख सकते हो दोनों ही की अपने को रिमोट मिल जाती है, जिसके अंदर फंक्शंस की बात करता हूँ, लॉक अनलॉक बूट अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, फ्लिपेबल की मिल जाती है, ये देख सकते हो पीछे महिंद्रा का लोगो, की को एक बार लगा लेते हैं, लगा जहाँ की लगाते हैं वहां पर इल्यूमिनेशन भी अपने को मिल जाती है कुछ इस तरह, और जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो MID कुछ इस तरह मिलने वाली है अपने को, यहाँ पर देख सकते हो टैकोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पर अपने को बीच में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे ये देख सकते हैं काफी सारी फ्यूल हीट एंड और ओडोमीटर, ये सब चीज इसके अंदर अपने को मिलने वाली है। प्लस अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टच स्क्रीन मिल जाती है, काफी अच्छी अपने को मिल जाती है, अभी ऑन हो जाए तो इसका टच भी हम चेक कर लेंगे। ये देख सकते हो कम्प्लीट लुक इंटीरियर का कुछ इस तरह मिलने वाला है अपने को, सनरूफ ओपन करके देख लेते हैं एक बार, तो सनरूफ कुछ इस तरह अपने ओपन हो जाएगी, और काफी बड़ी ठीक ठाक साइज की सनरूफ इसके अंदर अपने को मिलने वाली है कुछ इस तरह, और इसको क्लोज करने के लिए बस सिंपली क्लोज कर सकते हो, और इसको हम अपने ये आप देख सकते हो इसको आप मैनुअली बंद करेंगे। बात कर लेते हैं इस टच की, नो डाउट है टच बहुत अच्छी है, काफी रिस्पॉन्सिव टच है, ये देख सकते हो मतलब लैग बिल्कुल भी नहीं है, जिटरिंग बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, ये आप देख ही रहे हो काफी जबरदस्त टच इसके अंदर अपने को मिलने वाली है। और गाइस सीट्स की बात करता हूँ, नो डाउट सीट्स काफी अच्छी है, कुशनिंग काफी अच्छी है गाड़ी की, प्लस बकेट काफी अच्छी की हुई है, ये आप देख सकते हो पकड़ के रखती है, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ मुझे अच्छी तरह पकड़ के रखा हुआ है सीट ने, और नो डाउट यार काफी कंफर्टेबल सीट इसके अंदर अपने को मिलने वाली है। तो गाइज ये थी वीडियो ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड की, अब बात कर लेते हैं पैसेंजर साइड की। सबसे पहले बात कर लेते हैं पैसेंजर साइड डोर की, आप देख सकते हो कुछ इस तरह मिलने वाला है अपने को, यहाँ पर आपको ड्यूल टोन का इस्तेमाल मिल जाता है, स्पीकर अपने को मिलने वाला है, यहाँ पे बोतल होल्डर यहाँ पर अपने को मिल जाएगा, स्पेस कुछ इस तरह मिलने वाला है अपने को। और बात करते हैं पैसेंजर साइड स्पेस की, नो डाउट काफी अच्छा स्पेस इसके अंदर अपने को मिलने वाला है, जैसे मैं बैठता भी हूँ तो मुझे थाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, नो डाउट यार बहुत ही जबरदस्त थाई सपोर्ट मुझे मिलने वाला है इसके अंदर, ये देख सकते हो कुछ इस तरह मुझे थाई सपोर्ट मिलता है, हेडरूम भी बहुत अच्छा मिलता है, 5'8" मेरी हाइट है और मुझे काफी हेडरूम अच्छा मिलने वाला है इसके अंदर। और बात करते हैं हेडरेस्ट के, आगे के अपने को एडजस्टेबल मिलते हैं, पीछे के अपने को हेडरेस्ट फिक्स मिलते हैं, बट नो डाउट इनकी पोजिशन काफी अच्छी है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पीछे की तरफ अपने को यहाँ पर केबिन लाइट कुछ इस तरह मिलने वाली, ग्रैब हैंडल्स अपने को काफी स्मूथ फोल्ड होने वाले मिलने वाले हैं, और सीट बेल्ट की भी हाइट एडजस्ट आप कर सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, तो ये चीज अपने को मिल जाती है। प्लस अगर मैं बात करता हूँ पीछे पॉकेट मिल जाती है दोनों तरफ, और
ये आप देख सकते हो, ये थी वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मेन मुद्दा अपना प्राइसिंग होता है, प्राइसिंग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो इस पर्टिकुलर गाड़ी के लिए, एक्चुअल कॉस्ट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।